हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो किससे हो आप सब? तो आ चुका हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। ये कुछ टॉप के बेस्ट क्लचेज़ है, तो उसको मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मैं इधर मिलिट्री बेस आया था, तो इधर मुझे एक हैकर मिला। आप लोग देखो इसे, एंजॉय करो। तो आप लोगों ने देखा इसने किस तरह स्पीड है एक लगाया हुआ था। ये इधर मैं पूछें कि मैं आता है इधर, आपके भाई ने एक क्लच मारा है, बहुत प्यारा क्लच है, आप लोग जरूर देखो। यार यो मितना नोक को का नाम था, यो नोक तिकना शॉटगन है तो कह दे कि सेम भाई। यार नाइस शॉटगन है उसका, रखा लिखा हुआ। बरा 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 रिवाइव का ये कमरा के, कमरा के ध्यान से उसके पास शॉटगन। तो अभी चलते हैं वो क्लच की तरफ। जड़ा क्लैन वाली। ओ भाई साहब, मेरी एचपी देखो। ये पूरे स्क्वाड ने एक साथ जो है मुझ पे फायर करना स्टार्ट किया। अब इसका बदला तो लेना बनता है, क्या कहते हो गाइस? तो अभी लेते हैं इनसे बदला, आप लोग देखो। ध्यान से ब्रो। वॉच आउट, वॉच आउट। नाइस यार, वॉच आउट, वॉच आउट। दा गनुक दे, हां दा गनुक दे हमजा। ये प्लेन वाले बंदे थे, प्लेन पे इनका नाम आया था। अच्छा स्क्वाड, ये इधर पे मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैं सोच समझ के खेला, कोई अंधाधुंध रश नहीं किया। ये दो बंदों को इधर मैं नॉक कर देता हूँ एक स्प्रे में, और इनका लास्ट बंदा जो है वो नीचे होता है। अब जाते हैं उसको मारने के लिए। तो इसी तरह ये स्क्वाड भी हो जाता है डेड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आप लोगों ने देखा इधर, मैंने गाड़ी उनके मुंह पे बिल्कुल नहीं रोकी, मैं साइड में कवर पे आ गया। इधर से एक दो नेट कर देता हूँ और ताकि मुझे टाइम मिल सके, मैं हील करूँ। करते ऊपर रश करते हैं। हमदार आशी और नोक, हमदार यो में नोक कड़े, यो में नोक कड़े रिवाइव के ये डर बता बेटा लोटा। तो इसको मारने के बाद इनके पास एडब्ल्यूएम होता है, मैं एडब्ल्यूएम लेता हूँ। आगे आप एडब्ल्यूएम के शॉट्स देखो। अबे तू जरा सरकार को मारेगा तो कुछ मत हुई इसका चैनल जो पे रवाना कर फ्री ना दी पकड़े 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 मैं बिल्कुल शांत हूं। तो इधर हम आ गए कवर में, अभी चलाते हैं एडब्ल्यूएम। आओ गाइस, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, सही है। हमजा माशाल्लाह स्टार्स ओ शान भाई पमासा मदर यूट्यूब चैनल स्टार मरवान दो रागम रवान छो। हां उस पर एजड आर सरडे नूर मरवान जी इंशाल्लाह हमरा बदर सरडे दग वर्क। अब मैं देख वो जो है अपने लिए स्नाइपर मंगवा रहा था, उसी का वेट कर रहा था। शॉट था सो को जड़ा समय यार देर ना नुवार स्प्रे वर की यो दा देर आ रवान दे। हां मार्क द लोकेशन ना ना। ये पूरा स्क्वाड था वो सब के साथ स्नाइपर था, और इधर सिर्फ मेरे पास स्नाइपर था। हम हां का देन हम गाड़े रहे हम था। मार्क द लोकेशन मनम मनम
इधर मेरा टीममेट बार बार नॉक हो रहा था क्योंकि उनके साथ स्नाइपर थी। मार देखो कसम, अगर तुम्हारे पास स्नाइपर ना हो तो पीक नहीं देनी चाहिए। तो इधर पीछे सामने एक और स्क्वाड भी आ जाता है, तो उनसे भी फाइट लेते हैं, उनसे भी फाइट लेते हैं। आप लोग देखो, टंग चुपड़ेगा ऊपर से ना। मार्क द लोकेशन। ये इधर फिर से मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मेरे पास फेस भी नहीं है। आप लोग देखो, तो यहाँ पर मेरी टीममेट की गलती की वजह से मैं मर गया। अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। ये पिस्टन से मैंने क्लच किया, आप लोग देखो। इन लोगों ने यहाँ पे गलती की, ये वापस आ गए। इन लोगों ने कहा एक किल है, चलो उठाते, लेकिन देखो उल्टा इनके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह मैंने 1v3 किया पिस्टल से। यहाँ पर एक और रेल बंदा था, उसको भी मारते। तो मैं चेक ले चो इले कदा हुरी ले दी राशे किया मोले किया मोले राशे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। ये बारे नहीं बन रहा अभी। तो इसी तरह ये स्क्वाड भी डेड हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बंदा जो आप देख रहे हो ना, ये बंदा कर रहा था रिमोट, ये ब्लू वाला। तो फिर तेरे भाई ने भी रिमोट कर दिया और इसने चैलेंज दिया कि नो आ जाए। तो चलते हैं नो की तरफ और इनसे फाइट करते हैं। ये आप लोग देखो, जहाज़ पे इनका ही नाम आ रहा था, इनके क्लेन के बंदे हैं सारे, इनसे फाइट हो रही है। आप लोग देखो, ये वही बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। तो मैं उसको कवर फायर देता हूँ और मैं उसी बंदे को नॉक कर देता हूँ। भाई जो नो केस को फिनिश करो, जो नो केस को फिनिश करो। तो इन पे मैं इसका एक बंदा पीछे डाल जाता है, तो मैं उस पे फ्लैंक मारता हूं, दूसरी तरफ से आने की ट्राई करता हूं। नो नाइस। तो इसी तरह इनके दो बंदे को मैं मार देता हूं और एक को लास्ट बंदे को नंबर 3 मार देता हूं।
छुट्टी कर छुट्टी कर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यार आप लोग बताओ, यहाँ पे मैं कहाँ से कैंपर नजर आ रहा हूँ? ये लोग कह रहे थे कि यार तुम कैंपर हो, तो आप बताओ मैं कहाँ से कैंपर हूँ? यार इनके सामने आ गया, इतना तो बंदा अपना अपने आप को डिफेंड तो करेगा ना, ओपन में तो नहीं जा सकता। तो इसी तरह स्क्वाड को भी मार दिया। ये लोग फिर ऑल पे मुझे कैंपर बोल रहे थे, तो कहाँ से मैं कैंपर हुआ? तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इधर पूरा स्क्वाड था मेरे, तीनों के तीनों टीममेट्स जो है वो नॉक हो जाते हैं और मैं अकेले बचता हूँ। ये थे पूरे चार बंदे। सही है, अगर इस तरह कोई स्क्वाड हो ना, आप अकेले रह जाते हो, तो आप जगह को जो है वो चेंज कर दिया करो। अगर एक ही जगह पर रुकोगे तो आप मारे जाओगे। अगर जगह को चेंज करोगे तो एनिमीज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग इजीली मार सकते हो। यहाँ पर मैं इजीली जो है बंदों को मार देता हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी बैड लक की वजह से मैं मर जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो फायरिंग हुई नहीं। पता नहीं क्यों यार, मैंने फायर दबाए लेकिन नहीं हुई। ये लोग आप देखो, यहाँ पर मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, तो ये लोग कन्फ्यूज हो जाते और बस अंधाधुंध रश करने लगते। तो आप लोग देखो, अब भी इसी तरह जगह चेंज कर दिया करो। एक्सेलेंट वर्क। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मेरा फायर हुआ नहीं, इसी तरह मैं मर जाता हूँ।